All right, so in the last lecture, we saw cells in series. आज हमको देखना है cells connected in parallel. अगर आपको याद होगा, when you connect cells in series, total potential is sum of addition of potentials of each cell. मतलब अगर मेरे पास 1.5 वोल्ट के दो सेल है, मैंने अगर दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है तो टोटल पोटेंशियल मुझे मिलेगा 3 वोल्ट, राइट? सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपको ये कल मैंने बताया था. जब एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेक्स्ट सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है एंड सो ऑन, सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में नॉर्मली what happens is current is same through all the cells. Matlab I am telling you this kind of arrangement is series combination of cells. Current is same. Internal resistances of all the cells, they add up. Why they add up is because they are in series. Cell series mein matlab uska resistance bhi series mein. फिर हमने देखा था कि टर्मिनल पोटेंशियल, मतलब ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वी, दैट विल बी सम ऑफ ईएमएफ ऑफ ऑल द सेल्स माइनस आई इनटू समेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ ऑल द सेल्स. क्यों? ऑब्वियस सी बात है, इन रियलिटी अगर आप देखोगे तो द सेल्स आर लाइक दिस. एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, फिर एक सेल है, फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो इसका ईएमएफ अगर इप्सिलॉन वन है, इसका इप्सिलॉन टू है, रेजिस्टेंस आर वन है, इसका रेजिस्टेंस आर टू है, राइट? टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी वी, सबसे पहले इट विल बी एडिशन ऑफ E1 plus E2, या फिर आप बोल सकते हो कि E1 minus I R1. क्यों? By definition. What is definition of terminal potential difference? Amount of energy supplied to circulate charge, unit charge through external resistance. Right. और अगर आपको पता होगा, हमने कल ही लिया था ये, कि जब आप external resistance connect करते हो R, और आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी जिसका ईएमएफ ई है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो जब आपको यूनिट चार्ज सर्कुलेट करना होता है तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज वंस राउंड थ्रू कंप्लीट सर्किट इज ईएमएफ ई, राइट? करेक्ट. बट दिस ईएमएफ ई इज फॉर टोटल. टोटल का मतलब मैंने बताया था. And I showed you an example also. Let me see if I have the same thing here again. तो जो सेल होता है वो सेल खुद किसी मेटल से बना है, उसका खुद का कुछ कंपोजिशन है. तो जब भी एक सेल में से चार्ज निकलेगा तो चार्ज इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द सेल. तो उस मटेरियल का खुद का रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, उसको ओवरकम करने में भी एनर्जी स्पेंड हुआ. तो एनर्जी स्पेंड हुआ था दो तरीके से, एक टू ओवरकम द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड सेकंड टू ओवरकम द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर. व्हाट एवर एनर्जी इज रिक्वायर्ड और सप्लाइड फॉर यूनिट चार्ज टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. और ईएमएफ इज द एनर्जी सप्लाइड टू ओवरकम बोथ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल. इसलिए आप लिखते हो, देखो ईएमएफ मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इंटरनल को ओवरकम करने में कितना लगा, है ना? हमने इसको ऐसा लिखा था, इफ यू रिमेंबर, हमने इसको V प्लस VR लिखा था, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? ईएमएफ माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब क्या हुआ? माइनस आईआर, राइट? तो जब हमने सीरीज में लगाया है
तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट विल बी इक्वल टू पहले का ईएमएफ माइनस एनर्जी स्पेंट इन ओवरकमिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, प्लस दूसरे का ईएमएफ माइनस एनर्जी स्पेंट इन ओवरकमिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड सेल। क्लियर? यहां तक इट शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कैन आई राइट इट डाउन लाइक दिस, एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू, गुड, माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूं, आई आर वन प्लस आई आर टू, दोनों जगह पे आई आई क्यू है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हमेशा सेम होता है, तो आई आर वन प्लस आर टू, मतलब वी इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई एम एफ माइनस आई समेशन ऑफ आर, राइट। ये था आपका फाइनल इक्वेशन जो हमने कल देखा था। देन वी सेड, व्हाट वी सेड वाज, एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग सेल्स इन सीरीज इज कि आपको अगर हाई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आप ऑप्टेन कर सकते हो। अगर मेरे पास 1.5 वोल्ट की दो सेल है, तीन सेल है, चार सेल है, अगर मैं उनको ऐड कर, मतलब उनको सीरीज में लगाते गया, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1.5 प्लस 1.5, अगर दो है तो मतलब 3 वोल्ट, तीन है तो 4.5, राइट। और एडवांटेज क्या था? और एडवांटेज ये था कि इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेल खराब हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सेल, एक भी सेल खराब हुआ तो सर्किट विल ब्रेक ओपन, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि एक सेल खराब हो गया है, करंट पास नहीं होगा उसमें से, इट विल नॉट डिलीवर एनी पावर, राइट। ये एडवांटेज भी है, ये डिसएडवांटेज भी है। देन टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज सेल्स इन सीरीज, सॉरी सेल्स इन पैरेलल। ईएमएफ मतलब वोल्टेज ही होता है, बट ईएमएफ is including the energy spent including overcoming of internal resistance. सेल के अंदर से चार्ज को निकालना है, तो सेल का जो मटेरियल है वो खुद ही रेजिस्ट कर रहा है, तो उसको ओवरकम करने में एनर्जी स्पेंट हुआ, प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में एनर्जी स्पेंट हुआ, दैट इज ईएमएफ। सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में जो एनर्जी स्पेंट हुआ, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इन शॉर्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी अक्रॉस एक्सटर्नल कंपोनेंट होता है। जैसे मैंने एक्स्ट्रा कंडक्टर लगा दिया, उसका रेजिस्टेंस था, उस कंडक्टर में से मुझे अगर यूनिट चार्ज को पास करवाना है, तो इस एक्सटर्नल कंडक्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा उसको बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। और अगर सेल है, सेल लगाया है, तो अगर सेल के अक्रॉस ही तो मेजर कर रहे हो, तो दैट इज ईएमएफ, इट इज आल्सो वोल्टेज, बट दिस इज ईएमएफ। और एक्सटर्नल कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, मतलब डायमेंशनली ईएमएफ एंड वोल्टेज बोथ आर सेम। ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज से कम होगा, ज्यादा होगा, क्यों? ईएमएफ कैसे डिफाइन किया? टोटल एनर्जी स्पेंट इन ओवरकमिंग टू थिंग्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एंड वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज जस्ट ओवरकमिंग एक्सटर्नल, तो ईएमएफ इज ग्रेटर देन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब, राइट। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हाट वी डू इज, जैसे आपको पता है सीरीज में पहले सेल का पॉजिटिव अगले सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है, सेकेंड सेल का पॉजिटिव थर्ड के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है, सो ऑन सो फोर्थ। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डजंट मैटर हाउ मेनी सेल्स यू हैव, ऑल द सेल्स, सारे के सारे सेल के नेगेटिव दे आर मेड कॉमन, एंड सारे के सारे सेल के पॉजिटिव दे आर मेड कॉमन,
तो एज यू कैन सी हियर सेल्स इन पैरेलल मतलब नेगेटिव ऑफ ऑल द सेल्स आर कॉमन एंड पॉजिटिव ऑफ ऑल द सेल्स आर कॉमन मतलब दे आर कनेक्टेड टूगेदर बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स राइट गुड अब सीरीज में करंट इज सेम थ्रू ऑल द सेल यहां पे करंट इज डिफरेंट थ्रू ऑल द सेल्स राइट गुड देन सीरीज का एडवांटेज क्या था कि अगर मुझे लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो मैं सेल्स को सीरीज में लगाते जाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ते जाएगी यहां पे ये डिसएडवांटेज है अगर आप दो सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो या 2000 को कनेक्ट कर रहे हो वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन द सेम अगर 1.5 है हर एक का तो हमेशा 1.5 ही रहेगा नो मैटर इफ यू आर कनेक्टेड कनेक्टिंग 2 इन पैरेलल और 20,000 इन पैरेलल इट इज ऑलवेज द सेम राइट गुड अब ऐसा है इसका एडवांटेज क्या है फिर इसका एडवांटेज ये है कि अगर चार सेल मैंने दिखाए हैं उसमें से एक या दो खराब हो भी गए तो सर्किट कम से कम ब्रेक नहीं होता क्यों एट द मोस्ट यू विल लूज वन सेल दैट्स इट सर्किट इज स्टिल वर्किंग सर्किट ब्रेक नहीं हुआ गुड डिसएडवांटेज मैं बता चुका हूं आप 2, 200, 2000, 20,000, 2 लाख कितना भी सेल कनेक्ट कर दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहने वाला है राइट दिस इज डिसएडवांटेज लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ टू सेल्स इन पैरेलल हम लोगों को एक्चुअली इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की के लिए इक्वेशंस डिराइव करने हैं तो लेट्स से हमारे पास ये पॉइंट है B1 फिर वी हैव टू सेल्स विच आर इन पैरेलल तो यू हैव टू सेल्स विच आर इन पैरेलल इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव कॉमन है इसका नेगेटिव और नेगेटिव कॉमन है इसका ईएमएफ इप्सिलॉन 1 epsilon 2 then of course resistance iska r1 hai internal iska r2 hai I'm not showing resistances here but they have internal resistances r1 and r2 small r by default always means internal resistance in current electricity always 11th maybe 12th maybe engineering maybe har jagah pe small r matlab internal resistance hota hai right good Now, let us say this is junction B2. Junction nahi, terminal B2. Ab, current splits here. So, total current agar I hai, to junction point pe aake split ho jayega, I1 aur I2. As I told you, ki parallel combination mein current ki value alag-alag hoti hai. Right. Let us say, देखो करंट कब फ्लो होता है ये भी पता होना चाहिए करंट तभी फ्लो होता है जब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से हायर पोटेंशियल पे हो जैसे हीट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम हायर टेंपरेचर रीजन टू लोअर टेंपरेचर रीजन करंट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तो VB1 इज एट हायर पोटेंशियल देन B2 तो VB1 माइनस VB2 दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस B राइट करेक्ट तो अब मैं अगर सिर्फ पहले सेल की बात करता हूं राइट लेट अस से कि ये सेल यहां पे है ही नहीं अज्यूम राइट फिर भी करंट फ्लो होगा करेक्ट गुड वैसे वो सेल है वहां पे बट जस्ट आस्किंग तो पोटेंशियल डिफरेंस एज यू हैव लर्न्ड अर्लियर इज ईएमएफ माइनस आईआर तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ईएमएफ किसका पहले सेल का माइनस करंट किस में से पहले सेल में से रेजिस्टेंस किसका पहले सेल का तो आई कैन मेक एन इक्वेशन फॉर करंट
from this particular equation. So I can write इसको I1R1 equal to epsilon 1 minus V, है ना? तो I1 equal to epsilon 1 minus V by R. I have done nothing but मैंने सिर्फ यही किया है यहाँ पे. Sorry, I have just done this. मैंने और कुछ भी नहीं किया. मैंने सिर्फ इतने से इन दो साइड्स को इक्वेट किया है. I1 R1 यहां ले गया तो प्लस हो गया, V यहां ले आया तो माइनस हो गया. एंड दिस इज व्हाट इज मेंशन इन द नेक्स्ट स्टेप. राइट? क्लियर? क्लियर, गुड. देन सिमिलरली बट ये VB1 और ये VB2, दिस इज ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकेंड सेल. ये पहले सेल के अक्रॉस भी इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है और दूसरे सेल के अक्रॉस भी इतना ही है क्योंकि पैरेलल में है. राइट? तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता था, epsilon 2 माइनस I2 R2. मतलब मुझे यहां से मिलेगा I2 इज इक्वल टू epsilon 2 माइनस V बाय R2. एंड एज आई हैव शोन इन द डायग्राम फिगर, टोटल करंट इज एडिशन ऑफ दीज टू. राइट? तो ये आपका आएगा epsilon 1 माइनस V बाय R1 प्लस epsilon 2 माइनस V बाय R2. राइट? तो व्हाट वी कैन डू इन द नेक्स्ट स्टेप इज हम इसको epsilon 1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस epsilon 2 बाय R2 माइनस V बाय R2 लिख सकते हैं. So, what we can do now is, I can also write it down like epsilon 1 by R1 plus epsilon 2 by R2 minus minus sign common VV common, right? 1 by R1 plus 1 by R2. Okay, good. So, let me give it some bracket. करेक्ट? नाउ इसके आगे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके आगे, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, मैं 10 सेल पैरेलल में लगाऊं, सीरीज में लगाऊं, है ना, तो अल्टीमेटली वी कैन टेक आउट ऑल दिस सेल. देखो ऐसा है, मैंने 10 सेल लगा दिए सीरीज में, 1.5 के 10 सेल, टोटल वोल्टेज कितना हुआ? 15. किसने बोला है कि 10 सेल लगाने हैं 1.5 के? मेरी मर्जी. आई कैन पुट 5-5 के 3, आई कैन पुट 1 of 15, इट्स माय, मुझे जैसा करना है मैं वैसा कर सकता हूँ. मतलब मैं सारे के सारे सीरीज या पैरेलल के सेल निकाल के एक सिंगल सेल लगा सकता हूँ जो वही काम करेगा. इट विल डू द सेम जॉब, सेम टास्क. उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट. तो आई कैन मेक इक्विवेलेंट सर्किट. तो वो जो दो सेल का सर्किट था उसका इक्विवेलेंट सर्किट में बना सकता हूं. आई कैन से ये B1 पॉइंट है, मैंने दोनों सेल को हटा के सिंगल सेल लगा दिया. राइट? सिंगल सेल लगा दिया विथ EMF विच इज E इक्विवेलेंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज R इक्विवेलेंट. राइट? लेट मी चेक पोलैरिटी. हाँ, ये प्लस था तो ये प्लस है और ये माइनस टर्मिनल है. ठीक है, ओके, गुड. राइट? तो विच मीन्स अगर मैंने दो सेल हटा के सिंगल सेल लगाया होता तो इक्वेशन क्या बनता? V इज इक्वल टू EMF माइनस IR. कौन सा EMF? इक्विवेलेंट. कौन सा? इक्विवेलेंट. फिर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर कंपेयर करता हूं, राइट? ये क्या था? ये करंट का इक्वेशन था. अभी कंपेयर तो कर नहीं सकते. क्यों नहीं कर सकते? कंपेयर भी करेंगे हम लोग, बट जस्ट अ मिनट. कंपेयर करने के लिए पहले
इक्वेशन टू और इक्वेशन नंबर वन को सेम फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो हम लोग सेम फॉर्म में लाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, आई विल टेक दिस वी वी वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आएगा वी वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू इक्वल टू एप्सिलॉन वन बाई आर वन प्लस एप्सिलॉन टू बाई आर टू माइनस आई। गुड, तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग, राइट, तो ये आएगा आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन इंटू आर टू इक्वल टू एप्सिलॉन वन आर टू प्लस एप्सिलॉन टू आर वन अपॉन आर वन इंटू आर टू माइनस आई। क्लियर, आई डोंट वॉन्ट यू टू मेक मिस्टेक हियर। I have seen without looking at the equation properly, ये ऐसा cancel कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा, वो I में कहाँ है R1 R2 में नहीं है, so you cannot cancel this, okay? ऐसा कर दिया तो गए, equation बनेगा ही नहीं, right? Good. But what you can do is इसको यहाँ पे multiply हो रहा है, वहाँ पे जाके divide होगा, मतलब I can write this as epsilon 1 r2 plus epsilon 2 r1 upon r1 into r2 r1 into r2 upon r1 plus r2 minus i r1 into r2 upon r1 plus r2। ये और ये कैंसल हुआ, मतलब व्हाट यू हैव इन जनरल इज यू हैव v इज इक्वल टू epsilon 1 r2 plus epsilon 2 r1 upon r1 plus r2 minus I r1 into r2 upon r1 plus r2 equation number 1। Now you can compare equation 1 and 2, same form hai। Now when you compare, you say that कि parallel में लगाने से क्या हुआ, parallel में लगाने से equivalent EMF आपको मिला epsilon 1 r2 plus epsilon 2 r1 upon r1 into r1 plus r2 and आपको r equivalent मिला है r1 r2 upon r1 plus r2, correct? गुड, तो मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, इफ आई डिवाइड दिस टू, सो इफ आई डू दिस वे व्हाट आई विल गेट इज, ये आपको पता है e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 प्लस r2, और ये था r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, ये और ये कैंसल, फिर आपके पास ये बचेगा एप्सिलॉन वन आर टू प्लस एप्सिलॉन टू आर वन अपॉन आर वन इंटू आर टू, फिर इसको भी मैंने सेपरेट कर लिया, कैंसल 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 कैंसल, मतलब क्या बोला, यस करेक्ट, ये दो सेल का था, अगर मैं इसमें तीन सेल कनेक्ट करता हूं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बाय द वे व्हाट इज दिस क्वांटिटी, करंट, राइट, वी इज इक्वल टू आई आर, वी बाय आर इज आई, है ना, तो आपको ये मिलेगा एप्सिलॉन 1 बाय आर 1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय आर 2 प्लस एप्सिलॉन 3 बाय आर 3, जितने कनेक्ट करोगे उतने, राइट, सो दिस इज द टोटल करंट due to parallel combination of n cells in parallel, right? Good. So I am going to repeat all this because ये important है. ये division important है. Don't worry about notes. I will just put it there. हमारे लिए priority हमेशा समझना होता है. And I am telling you from my own experiences.
अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा है, लिखना इज नथिंग, ओके, इट इज नथिंग, तो बिकॉज जो भी नोट्स मैं आपको बना देता हूँ 90% तो मैं देखता भी नहीं हूँ बुक्स में कि लिखा क्या है, बिकॉज आई नो यू ऑल आर वेरी गुड इन लैंग्वेजेस और आपको सबको अच्छे से लिखते आएगा, एंड आई विल टेल यू नाउ कि लिखना कैसे होता है। मैं बताता जाता हूँ, ओरली लिखेंगे नहीं हम लोग, वी विल नॉट राइट इट डाउन। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, राइट अ नोट ऑन सेल्स इन पैरेलल, या फिर एक्सप्लेन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, या फिर प्रूव दैट ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ई1 अपॉन आर1 प्लस ई2 अपॉन आर2 फॉर टू सेल्स इन पैरेलल, राइट? क्या करोगे पहले, सबसे पहले वो एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल टर्मिनल्स ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, देन सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हो गया, हमको दो सेल बोले थे। Consider two cells in parallel combination as shown in figure. E1 या फिर epsilon 1 is EMF of first cell. E2 or epsilon 2 is EMF of second cell. R1 and R2 be their internal resistances respectively. We know that the current through cells in parallel combination is different. Let I1 be the current through cell E1 and I2 be the current through cell E2. Okay, then let the potential difference between points B1 and B2 is, यहां से start होता है derivation, क्योंकि current flow हो रहा है इसका मतलब potential difference है जिसको मैंने B बोला है, right? अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वी नो दैट दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर बोथ द सेल्स सिंस द सेल्स आर इन पैरेलल। आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो लिख देना पहली बार, ये जो है आप लिखोगे इप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1, फिर यहां से आपको मिलेगा करंट I1 इक्वल टू इप्सिलॉन 1 माइनस V बाय R1। सिर्फ मैनिपुलेशन किए हमने, देन यू कैन से सिमिलरली I2 इज इक्वल टू इप्सिलॉन 2 माइनस V बाय R2। ये कहां से आया, ये वहीं से आया, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस था अक्रॉस सेकेंड सेल, तो वहां से आपको I2 मिल गया। नाउ वी नो दैट टोटल करंट is I1 plus I2. I1 है हमारे पास, yes, epsilon 1 minus V by R1 plus epsilon 2 minus V by R2. मतलब ये आ गया आपका epsilon 1 by R1 minus V by R1 plus epsilon 2 by R2 minus V by R2. Right? This is equal to epsilon 1 by R1 plus epsilon 2 by R2 minus V common 1 by R1 plus 1 by R2. ये आ गया आपके पास current. Then in the next step, what you will do is, ये करके ही रखा है, but I want you to repeat this. So, I want this to be repeated. Good. तो फिर आप बोलोगे, from this step ahead, आप बोलोगे बी 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2 इक्वल टू, यहां पे था इप्सिलॉन 1 बाई आर 1 प्लस इप्सिलॉन 2 बाई आर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करता हूं फॉर योर कन्वीनियंस, माइनस आई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया तो प्लस का माइनस हुआ, माइनस वी 1 बाय आर 1 प्लस 1 बाय आर 2 लेफ्ट साइड से राइट से लेफ्ट में गया तो प्लस हो गया, करेक्ट? फिर आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डू इट,
आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन इंटू आर टू इक्वल टू एप्सिलॉन वन आर टू प्लस एप्सिलॉन टू आर वन अपॉन आर वन इंटू आर टू माइनस आई. देन यू विल बी टेकिंग दिस टर्म. यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां पे जाके डिवाइड होगा. डिवाइड होगा मतलब यहाँ का डिनोमेटर वहां पे न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमेटर में जाएगा. जस्ट क्रॉस, जस्ट सेंड इट देयर. तो ये आपको लिखोगे आप एप्सिलॉन वन आर टू प्लस एप्सिलॉन टू आर वन अपॉन आर वन इंटू आर टू और ये आ गया आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू माइनस आई आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू. कैंसल कैंसल. तो फाइनली व्हाट यू विल गेट इज v इज इक्वल टू एप्सिलॉन वन आर टू प्लस एप्सिलॉन टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू माइनस आई आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू. देन यू कैन से दैट कि मैं दो सेल्स जो मैंने पैरेलल में लगाए हैं वो दो हटा के मैं एक सिंगल सेल लगा सकता हूं विद इक्विवेलेंट ईएमएफ एस एप्सिलॉन इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एस आर इक्विवेलेंट. यू हैव टू राइट दिस. नाउ वी कैन ऑलवेज रिप्लेस दीज टू सेल्स इन पैरेलल बाय अ सिंगल सेल हुज इक्विवेलेंट ईएमएफ इज ई इक्विवेलेंट एंड रेजिस्टेंस इज आर इक्विवेलेंट. In that case, terminal potential difference will be equal to. Comparing ये equation one है, equation two है. Comparing one and two, we see that. Try to keep as simple as possible. ये इतना simple है, so you see this thing. क्योंकि हमने compare कर दिया तो हमको ये मिल गया. अब मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया टू गेट टोटल करंट. आई डिवाइड दीज टू. जब डिवाइड करोगे तो एप्सिलॉन वन आर टू प्लस एप्सिलॉन टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू कैंसल कैंसल. सो यू विल हैव एप्सिलॉन वन आर टू प्लस एप्सिलॉन टू आर वन अपॉन आर वन इंटू आर टू. तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे एप्सिलॉन वन आर टू अपॉन आर वन इंटू आर टू प्लस एप्सिलॉन टू आर वन अपॉन आर वन इंटू आर टू कैंसल कैंसल कैंसल. सॉरी दिस विल कैंसल आउट. मतलब अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विथ एप्सिलॉन वन आर वन प्लस एप्सिलॉन टू अपॉन आर टू. ये दो सेल का है, तीन होंगे तो एप्सिलॉन थ्री बाई आर थ्री भी ऐड हो जाएगा, चार होंगे तो चौथा भी ऐड हो जाएगा, राइट? तो यू हैव दिस इक्वेशन फॉर टोटल करंट, सिंपल, राइट? तो अगर आपको अभी मैंने पांच सेल दे दिए विथ सम वैल्यूज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेस एंड ईएमएफ, यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल करंट, करेक्ट? This is how you can do this. Simple. So I am not going to write things here, क्योंकि मैं ये in the form of notes paste कर दूंगा. और आपके book में ये अच्छे से दिया है, बहुत precise दिया है, तो हमको जरूरत भी नहीं है notes बनाने की, right? Good. Then last topic that we need is types of cells. देखो नॉर्मली ऐसा है कि टाइप्स ऑफ सेल्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक्चुअली थ्री, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. लेकिन थर्ड को आप सेकेंडरी के साथ मर्ज कर सकते हो. प्राइमरी सेल मतलब ये जो रिमोट कंट्रोल में आप सेल डालते हो, राइट? दोस सेल्स कैन नॉट बी रिचार्ज्ड. You cannot recharge it. वापस चार्जिंग नहीं होता है उसका. वैसे आते हैं कुछ सेल्स, मशीन आता है उसमें आप लगा के चार्ज कर सकते हो,
और दो सेल्स आर डिफरेंट एंड दिस सेल्स जो आप ये 8-10 रुपए में लाते हो ट्रिपल ए साइज का, दीज आर ड्राई सेल्स, दीज आर प्राइमरी सेल्स. सो प्राइमरी सेल्स आर सेल्स विच कैन नॉट बी चार्ज अगेन, दे आर नॉर्मली ड्राई सेल्स, राइट, एंड दे आर चीप, इजी टू यूज, बट दे कैन नॉट हैंडल हेवी करंट, या दे कैन नॉट सप्लाई हेवी करंट. 10 वोल्ट में कितना करंट सप्लाई करेगा वो, है ना, नॉर्मली 10 वोल्ट का होता है वो. तो दीज सेल्स आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेल्स. तो ये जहां पे हेवी करंट की जरूरत नहीं है वहीं पे यूज होता है. सेकेंडरी सेल्स आर दो सेल्स विच कैन बी चार्ज अगेन. फॉर एग्जाम्पल लीड एसिड, ये जो इन्वर्टर के लिए बैटरी लगती है, ये जो गाड़ी में बैटरी यूज होती है, गाड़ी मतलब सेकेंडरी सप्लाई बोल रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी सेकेंडरी सेल्स होते हैं, बट उसमें फिर वही है कि हियर सेकेंडरी, जैसे मैंने बताया था 3 कैटेगरीज होते हैं एक्चुअली. फ्यूल सेल होता है वो, बट फ्यूल सेल्स कैन ऑल्सो बी रिचार्ज. इसके लिए मैं फ्यूल सेल को अलग कैटेगरी में नहीं डाल रहा हूँ. तो ये लीड एसिड एक होता है और ये होता है फ्यूल सेल. तो लीड एसिड मतलब ये जो इन्वर्टर्स में के लिए यूज होता है, जो ट्रक में यूज होता है, कार्स में यूज होता है, टू व्हीलर्स में यूज होता है, दोज आर नॉर्मली लीड एसिड. बोलते पानी कम नहीं होता बैटरी में, वो उसका एसिड का लेवल कम होता है. तो यू नॉर्मली हैव टू रिफिल इट विद एसिडिक वाटर, राइट. सादा पानी डाल दोगे 100% प्योर तो गए, आपका बैटरी कोई काम का नहीं रहेगा, राइट. नॉर्मली करते हैं लोग, दे जस्ट पुट फिल्टर्ड वाटर इनसाइड बैटरी, नहीं वो नहीं करना होता. सो यू हैव टू रिफिल इट विद प्रॉपर लिक्विड. सो दिस सेल्स कैन बी चार्ज्ड अगेन एंड दे आर यूज्ड फॉर हेवी ड्यूटी पर्पसेस, लाइक जहां पे ज्यादा लोड चाहिए. अभी इन्वर्टर के लिए जो बैटरी लगाते हो तो आप सिर्फ एक CFL तो चलाओगे नहीं, एक LED चलाओगे नहीं, यू विल गिव अ गुड अमाउंट ऑफ लोड फॉर दैट, राइट. देन यू हैव फ्यूल सेल. फ्यूल सेल मतलब आपको पता होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाइब्रिड कार्स, सुना होगा. एंड इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन एंड डेफिनेटली इंडिया इज गोइंग टू लीड द वर्ल्ड टूवर्ड्स क्लीन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. दिस इज गोइंग टू हैपन. यू आर लकी इनफ, आई एम लकी इनफ टू सी दिस हैपन. ये होगा क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड इज इन टू दैट रिसर्च एंड आई नो वॉट इज गोइंग अराउंड. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एसिड यू यूज फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन इन दैट बैटरी सेल. वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है बट इट वर्क्स ऑन हाइड्रोजन. एडवांटेज उसका जो एग्जॉस्ट होता है साइलेंसर, 100% प्योर वाटर निकलता है वहां से, मतलब वो पोल्यूशन भी नहीं करेगा. ऊपर से आप उसके नीचे बॉटल लगा दो वो भरते जाएगा, यू कैन प्योरली ड्रिंक दैट वाटर. तो हाइड्रोजन वो जो टेक्नोलॉजी है दैट इज कॉल्ड एज फ्यूल सेल व्हीकल, है ना, FCVs. They are expensive for the time being, yes, but you can't help it. So such cells are also, they can be recharged, charged again. फिर solar panels भी है. The batteries that work with, what is solar panel? It is a transducer. What is transducer? Which converts one form of energy into another form of energy. मतलब solar energy is converted to electrical energy. So all those cells are secondary cells and primary cells. Use and throw, right? You cannot charge them again. So this all I will add into notes. So we have finished this chapter. So iske sirf jo numericals hai that I'm going to take in the next session. And yes, jo topic delete hue hai, usme se bhi main kuch numericals lene wala hu. Because you need to know those concepts for competitive exam, jaise current density. जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन, ये पता होना चाहिए. तो आई विल बी टेकिंग दोज इन द नेक्स्ट सेशन.